हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत। दोस्तों आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग एंड रोमांचक वाला, इसलिए ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिए। और चलिए इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी बिना कुछ ज्यादा ताम झाम के, ठीक है। नाम शरद वाला, आपका नाम क्या? दीपक नवाया है। भाई का नाम दीपक, आपका? ओमकार चौहान। ओमकार भाई आपका? आप भी आ जाओ सर। रुको जरा, सबर करो। 10 मिनट में 10 खरगोश 10 गाजर खा रहे हैं। 10 मिनट में 10 खरगोश 10 गाजर खा रहे हैं। 100 मिनट में 100 गाजर। 100 मिनट में 100 गाजर खाने के लिए कितने खरगोशों की आवश्यकता पड़ेगी? 100 खरगोश सब भी खा जाएंगे ना, सब भी खा जाएंगे ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और सोचो थोड़ा सा यार, बड़ा सिंपल है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है यार। 10 मिनट में 10 गाजर, 10 मिनट में 10 गाजर खाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा क्वेश्चन तो मुझे बोल जा रहा है यार, मेरा क्वेश्चन तो मुझे बोल जा रहा है यार। सिंपल, मैं वापिस बोलूंगा, वापिस वापिस समझना इस वाले आंसर क्वेश्चन को। 10 खरगोश है, ठीक है, 10 खरगोश बैठा दिया, 10 खरगोश ऐड कर दो, ठीक है, 10 खरगोश 10 गाजर 10 मिनट में खा रहे हैं। हाँ। ये अलग हो गया एक पार्ट, एक और पार्ट समझना। 100 गाजर खाने के लिए, मतलब 100 मिनट में 100 गाजर खाने के लिए कितने खरगोशों की आवश्यकता पड़ेगी? 100 मिनट में 100 गाजर खाने के लिए कितने खरगोशों की आवश्यकता पड़ेगी? वो तो एक खरगोश भी खा सकता है इतनी, वो तो एक खरगोश भी खा सकता है इतनी। ये बढ़िया था गुरु। यही सुनना चाह रहा था भाई इतने टाइम से। इतने प्यार से दस भी खा सकते, मैंने बोला था ना। दस देखो बात सुन, 10 खरगोश 10 मिनट में 10 गाजर खा, मतलब एवरेज क्या निकल रहा है, 1 मिनट में 1 खरगोश 1 गाजर निपटा रहा है। तो 100 मिनट में 100 खरगोश 100 गाजर एक ही निपटा देगा। सिंपल सी बात थी ना। अब तो एक और बता दें, अब तो बताना तुम्हें दिखा नहीं होगा ये वाला ब्लॉग, तो मैं कल से होगा तो पता ही ना हो। कल मैं डाला था सवाल आया था, कल डाला था। जब दो लिप आपस में चिपकते तो क्या होता है? ये बॉय मुंह बंद होता है यार। स्टार्ट करो भाई ने वीडियो देख लिया तो लगता है। नहीं देखा। चलो फिर बढ़िया है, अच्छा लगा। सिंपल सिंपल था भाई, आपने गलत समझ लिया था, लेकिन ये गलत समझता ऐसे कहते भाई देख के ही है। तो ठीक है भाई, सिंपल और आपसे छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। जब दो लिप आपस में चिपकते तो क्या होता है? क्या? जब दो दो ऑड आपस में चिपकते तो क्या होता है? कोई भी संवाद, कोई भी बात उठ करते हैं तो समाप्त हो जाती है। जब दो ऑड आपस में चिपकते तो क्या होता है? भाई मजा आया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास है लेकिन उसे आपसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इस्तेमाल करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास अभी भी है जस्ट लेकिन उसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी जस्ट वो आपके पास ही है। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। सर ये है ना, इसके दोस्तों यहाँ दिमाग यूज करते हैं, ये इसमें दिमाग है पर ये यूज नहीं करता। अभी है हमारे पास, अभी भी जस्ट वो आपके पास ही है। बड़ी सिंपल, बड़ा आसान। ऐसी कौन सी चीज जो आपकी है वो आपके पास है लेकिन आपसे ज्यादा उसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इस्तेमाल करती है? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। Oh my God! आपका नाम बॉस? तो अच्छा लगा पड़े। A few moments later. दोस्तों आज हमारे भाई हमारे जो है हमसे क्वेश्चन करने वाले, तो भाई बताओ क्या क्वेश्चन करने आया? एक कमल का फूल का एक तालाब है। एक कमल के फूल का तालाब है, ठीक है। उसमें हर दिन एक फूल से एक फूल है उसका, एक कमल का फूल है, एक फूल पे दो गुने हो जाते हैं। एक तालाब जिसमें कमल का फूल है। हाँ।
और हर दिन एक फूल का डबल हो जाता है। दो फूल है, दो दिन में किसी दिन में चार फूल हो जाएंगे, कंपाउंड हो रहा है। हाँ हो जाए तो सवाल बताओ मेरे को, और बताओ और क्या है सवाल आगे। पंद्रह दिन में वो तालाब आधा भर जाता है, पूरा भर जाता है, मतलब आधा भर जाता है, आधा भर जाता है कमल से, तो मतलब और पंद्रह दिन में पूरा तालाब कब भरेगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रामानुजन वाली पिक्चर में। अरे यार कोई सबसे बड़ा अच्छा है आपका कि जो है एक दिन में जो है अपना एक का डबल होता है, डबल का डबल होता है, चार होते हैं, आधा तालाब भर जाता है ऐसे करके पंद्रह दिन में हो जाता है। फिर पूरा तालाब कितने दिन में भरेगा? पूरा तालाब कितने दिन में भरेगा? अगर पंद्रह दिन में तो 16 दिन भर जाएगा भाई। स्टार्ट करो। क्यों 15 में आता तो 16 में पूरा नहीं होगा? सोलह दिन भरा ना, कंपाउंड है ना डायरेक्टली। अगर एक दिन में जैसे कि वो आधा हो गया तो अगले दिन पूरा डबल हो जाएगा, खत्म भाई। आपका 30 दिन सुनना जा रहे थे। यही है सही है कि आपको ही नहीं पता। यही सही है ना, 16 दिन। अच्छा लगा भाई, आप डायरेक्टली आज हमसे क्वेश्चन लिया।